कर्नाटक में नंदिनी और अमूल की लड़ाई राजनीति में बदल गई है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये अमूल को नया मार्केट देने और कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के ब्रांड नंदिनी को कमजोर करने की साजिश है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। क्या वाकई बीजेपी ऐसा चाहती है और क्या कर्नाटक में नंदिनी को कमजोर करना आसान है? तो जवाब है नहीं। नंदिनी यानी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन कर्नाटक की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन है और इसे इस मकाम तक लाने का श्रेय भी बीजेपी सरकार को जाता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस के टाइम से बीजेपी के टाइम में केएमएफ का टर्नओवर करीब 10,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। इसके साथ ही इसके मिल्क प्रोक्योरमेंट की क्षमता भी बढ़ी है और किसानों को मिलने वाला मुनाफा भी बढ़ा है। हकीकत यह है कि बीजेपी ने 2019 में सत्ता में आने के बाद केएमएफ और डेयरी फार्मर्स के विकास के लिए बहुत से काम किए हैं। बीजेपी सरकार ने दूध उत्पादों को आसान लोन देने के लिए शीर्ष समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की है, हावरी में एक मेगा डायरी सेटअप लगाया है जिसकी प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता 1,00,000 लीटर की है और बेलारी में एक और डेयरी प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं जिसकी कैपेसिटी हावरी से 2 गुना यानी कि 2,00,000 लीटर प्रतिदिन होगी। बीजेपी के प्रयासों का ही नतीजा है कि कर्नाटक मिल्क सरप्लस स्टेट है। वैसे भी कर्नाटक में किसी भी बाहरी कंपनी का नंदिनी के आगे टिक पाना मुश्किल है। वजह है नंदिनी दूध की कम कीमत और केएमएफ द्वारा दुग्ध उत्पादों को दिया जाने वाला मुनाफा, यानी अमूल को लेकर खड़ा किया जाने वाला विवाद पूरी तरह से बेबुनियाद है और कांग्रेस नंदिनी से जुड़ी भावनाओं का फायदा उठाकर बस चुनावी राजनीति कर रही है।